हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई, इज इट ऑडिबल? गुड इवनिंग। ओके फाइन। सो आप लोगों को मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था, आप लोग किए, ट्राई किए, जल्दी बताओ। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया। चलिए ओके, चलिए डिटेल में मैं आपको उसको समझाता हूं दो तरीकों से। ओके चलिए देखते हैं। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं क्या दिया था। यहां से एक हैंगिंग मास था 2 kg, यहां से एक हैंगिंग मास था 4 kg, यहां पे सीलिंग ये सब वॉल था, ठीक है। और ये वाला एंगल दे दिया गया था, कहा गया था कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा ये थीटा भी बताना था, मतलब हम लोगों को T1 बताना था, T2 बताना था और T3 बताना था, ठीक है। और जिसमें से बताना तो ये भी था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चीजों को अब हम लोग काफी ज्यादा आसानी से समझने लगे हैं। नीचे अर्थ इसको 20 न्यूटन से फोर्स लगा रही है, फिर भी ये जा नहीं रहा है, तो जरूर यहाँ पे 20 न्यूटन अपवर्ड होगा। तो इसमें टेंशन है 20 न्यूटन और इसमें टेंशन है 40 न्यूटन। ओके, कृष्णा चौहान का है कि ये हो गया है, यस सर किए। ओके तो कृष्णा चौहान यदि ये हो गया है तो भी तो ज्यादा लंबा किए होंगे, चाहे हो सकता है गलत किए होंगे, है ना। तो पॉसिबिलिटी है, उसको हमें देखना भी है कि चीजें क्या हैं। तो यहां पे तो हम लोग अब धीरे धीरे जानने लगे हैं क्या है, लेकिन इसका आइडिया हम लोगों को नहीं लग पा रहा है। तो हम लोग इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कई चीज सीखेंगे। ओके तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, एक तो ये है कि ऐसे केस में हम लोग ये देखें जंक्शन पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखें, ताकि हम लोग इनमें इनको रिलेट कर पाए ना, इसके जंक्शन पॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू। तो सभी लोग देखें, मैं जंक्शन पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये रहा जंक्शन पॉइंट, ये वाला जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट का मास नहीं है, मास नहीं है तो एम जी नहीं है, क्योंकि मास जीरो तो एम जी करोगे तो जीरो आएगा, तो एम जी नहीं दिखा रहा हूं। हालांकि जनरली एम जी नीचे होता है क्योंकि मास होता है, लेकिन आइडियल स्ट्रिंग हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया, कोई मासलेस बॉडी हो गया, वेरी लाइट हो गया, पुली पट्टा स्प्रिंग इस तरह का, तो उनका मास नहीं मानते हैं, है ना। तो एम जी बस नहीं होगा, लेकिन बाकी जो कांटेक्ट है वो हमें दिखाना होगा। तो रस्सी के जो फोर्सेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जरा देखिए। तो ये है T1, दिस इज T1, जिधर रस्सी अवे है ना, इधर 20, ये वाला हम लोग नोन है ना 20, एंड इधर रस्सी तो अवे 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 T2। गड़बड़ी क्या है अभी ये फ्री? अच्छा हाँ, रस्सी का फोर्स हमेशा बॉडी से अवे अवे अवे, हमेशा एरो निकलता है, हमेशा एरो निकलता है रस्सी का, है ना। और क्या ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है? नहीं, क्योंकि जब आर टेढ़ा फोर्स लगाते हैं आप, तो आपको यह भी बताना होता है कि डायरेक्शन क्या है। तो जल्दी जल्दी में आपसे गलती हो गया होगा,
यहां पे देखो अरेंजमेंट में ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दो लाइन ये वाला ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका मतलब इससे ये थीटा है। अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये भी टेढ़ा है, आपको बताना होगा कि ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है। अब जाके कंप्लीट हो गया है, ये दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये वाला जंक्शन पॉइंट आप इसके नीचे बना सकते हैं, इसके ऊपर बना सकते हैं, इसके बगल में बना सकते हैं, इसको इधर बना सकते हैं, आप दूसरे पेज पर बना सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप चीजों को ब्रेक करके जब चीजें बनाएं तो ताकि आपको आसानी से एक्शन रिएक्शन पैरेलल लाइन रेफरेंसेस थीटा ये सब आपको दिखे, तो आप जगह वैसा ही टाइप का चूज करें। ब्लॉक ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे बनाएं, अगल बगल है तो अगल बगल बनाएं, और यहां पे ये है और यहां पे ये है तो यहां पे बनाएं ना। वैसे तो आप कहीं भी बना सकते हैं, सच्चाई तो ये है कि आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप जिस तरह का पोजीशन है अरेंजमेंट में आप वैसा ही बनाएं, ठीक है। मेरे सारे एडवाइस को तुम लोग मानते हुए चलना, बात आईआईटी क्वालिफाई पीएमटी क्वालिफाई करने की नहीं है, बात इसकी है कि हर एक के पीछे लॉजिक्स होते हैं, आपके पूरी लाइफ के पीछे है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग ये सीख रहे हैं, तो लॉजिक्स हर एक चीज के पीछे होगी। और हम लोग जितना तो देखो कितना आप लोग यहां बनाए होंगे अगल बगल बनाए होंगे, ऊपर बना दिए होंगे, तो अच्छी बात थोड़ी है, वैसे गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब रेफरेंस लेने में देखने में आसानी नहीं होगी आपको। चलिए तो मैं अब ये जंक्शन पॉइंट को बना लू, इसका एमजी नहीं है, कोई मास तो है नहीं यहां पर, नीचे 40 अवे, अच्छा हाँ यहां पर अवे और 4 kg पर अवे, अवे होता है बॉडी से, ये नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है, 4 पे ऊपर और जंक्शन पे नीचे, जिधर रस्सी वैसा ही अवे। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टल T3 और ये देखो अवे T2। और अभी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें ये थीटा लिखना है, सही है, बोलो थीटा। तो हमें लग रहा है कि देखो दोनों पॉइंट, अच्छा इसका भी बना सकते हैं, बनाए नहीं है, 2 kg 4 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, पर बनाए नहीं, आपका मन करता है बना लीजिएगा, उसको बनाने पे ही हमें ये 40 और ये 20 और 40 नजर आया है। आपको सरप्राइज होगा ये जान के 5 स्टेप्स हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स वाई एक्सिस कंसिडरेशन, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, एफ बराबर एम ए और बैलेंसिंग, कैलकुलेट सॉल्व सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड द आंसर रिजल्ट, 5। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेके आना मैं करूंगा। सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम, एक्स वाई एक्सिस, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, बैलेंस, 4 equation 4 unknown, इसको तोड़ लेना ऐसे ऐसे, T1 cos 30, T1 sin 30, T2 cos theta, T2 sin theta, ये वाला, this balance, हर एक फ्री बॉडी डायग्राम के कितने इक्वेशन, 2, एक्स वाला और वाई वाला, बताओ दोनों मिला के 4 equation और 4 unknown, T1 T2 T3 and theta, काम हो गया। ज्योति का
हाँ, कई लोगों की गलतियां होती हैं। ज्योति की गलती हो गई है कि वो स्ट्रेट बन गया था। हाँ, ये गलती होती है। इसको झटके में सब स्ट्रेट बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, थीटा नहीं लिखते हैं, स्ट्रेट बना देते हैं, तो ये सब गलतियां होती हैं। तो क्या आप लोग कर सकते हैं इसको? इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका काम है। ये ले मैन लैंग्वेज वाला बता दिया, ये आप लोग घर पे मेहनत करिएगा। लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन अब वो हाई लेवल वाला जरा देखो ना। सभी लोग कृष्णा बता रहे हैं कि एक साथ सिस्टम मान के किए हैं तो आया है। ध्यान से, अब मैं लेवल हाई कर रहा हूं और ये लेवल हाई कर रहा हूं कि क्या हम लोग कहीं पे कुछ और इकट्ठा कई चीजों को सिस्टम मान सकते हैं, एक चीज को सिस्टम मान सकते हैं, उसके आधे पार्ट को मान सकते हैं, इस तरह का क्या हम मानकर कुछ और भी सोच सकते हैं? तो ये अच्छा, ये बड़ा लंबा होगा ना, मेहनत करना, सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना आसान तो नहीं है ये। इसीलिए तो कह रहा था कि बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है ये। चलिए अब मैं छोटा बता रहा हूं, दूसरा सोल्यूशन। ये वाला तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा सोल्यूशन सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो देखो, हाँ, क्या मैं सिस्टम ये मानूंगा तो हमको मना करोगे? दिस इज सिस्टम। अब आगे से तुम लोग ऐसे मानना सीखना ना। यदि मैं इसको ऐसे सिस्टम मानूंगा, कंप्लीट रस्सी आइडियल स्प्रिंग मासलेस होता है, क्या हम ऐसे मानेंगे तो मना करोगे हमको? क्या मैं 4 केजी का आधा भाग सिस्टम मानूंगा, मना करोगे? क्या मैं इतना भाग सीलिंग और ये सब ये सिस्टम मानूंगा, मना करोगे? कुछ भी फ्रीडम है, क्यों मना करोगे भाई? जो तुम्हें स्टडी तुम्हें जो देखना है तुम देखो, हमको हमको जो देखना है मैं देखूंगा। सो सिस्टम ऑफ कुछ भी, बड़ा स्टेटमेंट है, सिस्टम ऑफ कुछ भी मान सकते हैं स्टडी के नाम पर। जल्दी से बताओ, व्हाट इज मास ऑफ द सिस्टम? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज मास ऑफ द सिस्टम? जल्दी रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज मास ऑफ द सिस्टम? जल्दी बताओ। बफरिंग नहीं हो रहा होगा यार। व्हाट इज मास ऑफ द सिस्टम? 6 केजी। ठीक है, बताओ अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है? इस सिस्टम को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है? जल्दी बताओ, जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है? जल्दी बताओ। 60 न्यूटन से। 60 न्यूटन। फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है, जानते हो क्यों? क्योंकि ये T1 इसको टांगा हुआ है। कितने से टांगा है? T1 cos 30 से। क्योंकि देखो, ये तो वर्टिकल में है नहीं, वर्टिकल में 60 लग रहा है, तो ऊपर में केवल यही है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल में, तो इसको कौन टांगे हुए है ऊपर की तरफ? और रिजल्ट आ गया T1 cos 30 बराबर 60 नीचे। सो T1 डायरेक्ट आ गया। ये होता है √3/2, 120/√3 आंसर है रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें आसान होती हैं। नहीं तो हम लोग धीरे धीरे सीख पाएंगे कि चीजें कैसे आसान बनाई जाती हैं। टारगेट में जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा मेरे से कहा कि सर T2 का कंपोनेंट ऊपर नहीं। क्यों T2 का भाई? यही तो फायदा हुआ है, ऐसे लेने से T2 इंटरनल है, ये सब इंटरनल है, एक्सटर्नल के नाम पर ये है और ये है, अंदर की चीजों को क्या मानना है? इंटरनल है, यही तो बढ़िया हुआ है, यही बढ़िया हुआ है।
तो हमारे एक्सप्रेशन में कभी भी क्या नहीं आता, इंटरनल नहीं आता। तो आप लोग देखिए कि किस तरीके से ऐसे करते तो बड़ा लंबा होता और ऐसे किए तो कैसे फटाक से आ गया। वो तो कहो कि मैं तुम लोग को समझा रहा हूं, नहीं तो मैं तो हवा में बता दिया होता ये T1 कितना है। ठीक है, ओके। अगला T3, फिर मैं इस सिस्टम को देख रहा हूं, फिर मैं इस सिस्टम को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इस सिस्टम पे फोर्स इधर लग रहा है T3 अवे, तो इसको कौन बैलेंस किया होगा, इसका कंपोनेंट। इसके अलावा तो हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं दिख रहा है, अर्थ वाला फोर्स नीचे है, ये वाला ऊपर है, वर्टिकल वैसे भी ध्यान नहीं देना है। तो इधर T3 बराबर इधर, तो T3 बराबर T1 cos, T1 sin, T1 sin 30। बोलो T3 बराबर T1 sin 30। हमारे पास T1 है कि नहीं, तो कितना है T1? 120/√3 into 1/2। What is value of T3? आंसर आ गया 60/√3। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। आपको बताओ, मैटर ये नहीं करता कि हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से और ये सब सॉल्व करने लगे। जरूरत इस बात की है कि हम लोग सिस्टम मानना, बैलेंसिंग, दूर का, अलग अलग सब 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 चीजें सोच पा रहे हैं, ताकि कहीं और भी हम लोग आसानी से कर पाए। ये हो गया, तो T1 आ गया और T3 आ गया। आपको बताऊं, मेरी बात पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस करो। आप ऐसे सिस्टम मानकर कभी जीवन में दुनिया का कोई भी व्यक्ति T2 नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि T2 सिस्टम के अंदर इंटरनल है और दुनिया की कोई भी चीजें इंटरनल इंटरैक्शन कभी नहीं आ पाती। इंटरनल वाला नहीं आ सकता, इंटरनल फोर्स इसलिए नहीं आता क्योंकि वो इक्वेशन में नहीं आता। इक्वेशन में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक मोशन के लिए या चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्योंकि उसका नेट जीरो होता है। उसका नेट जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होता है और दोनों लेना होता है। और दोनों इसलिए लेना होता है क्योंकि वो सिस्टम के अंदर होता है, तो सिस्टम पर ही मानना पड़ता है और दोनों लेना होता है। रीजन समझ में आया? तो कभी भी ऐसे सिस्टम मान के T2 नहीं आ सकता। ये बड़ा मैसेज है। इसका मतलब जब भी आप कहीं और भी ऐसे मानेंगे तो अंदर वाले फोर्सेस ना ही एक्सप्रेशन में आएंगे और ना ही कैलकुलेट होगा। अब दिक्कत है क्या किया जाए कि आए। सीखना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन आंसर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन का बहाना मेरे क्लास में तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरा लेक्चर हमेशा इस बात को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हम क्या करें। तो कहीं और भी इंटरैक्शन पाने के लिए, कहीं पे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन पाने के लिए हमें ऐसा बिहेव करना होगा, हमें वहीं से कट करके हाइपोथेटिकली इधर वाला और इधर वाला वहीं से सोचना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे के लिए बाहरी, इसके लिए वो बाहरी, उसके लिए ये बाहरी बिहेव होने लगे, ताकि वो इक्वेशन में आए, एक्सप्रेशन में आए और वो कैलकुलेट हो पाए। अश्विनी, थैंक यू सो मच अश्विनी। हाँ ठीक है, इट्स ओके फाइन। सो हाँ, तो क्या किया जाए बताओ। इसका मतलब या तो हमें ये बनाना होगा ये, ताकि ये बाहरी बिहेव करे ये,
या फिर ये बनाना होगा ताकि ये बाहरी बिहेव करे। हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये बनाएंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आधा टेढ़ा दू ठो है, इसको बनाएंगे तो भी वही आएगा पर थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि दो ठो को नहीं तोड़ना होगा। तो क्यों ना, इसका मतलब साफ है हम अब ये बनाएंगे नहीं तो नहीं आएगा टीटू। क्लियर? यदि हम ये न बनाए तो टीटू नहीं आएगा। पर ये मत करना कि सर फाइनली तो आप बना ही दिए ना, आखिरकार बना ही दिए, लेकिन भूलना मत यदि ये हम लोग नहीं सोचे होते और ऐसे बना के करते तो लंबा हो जाता। भले ही T2 के लिए ये बना दिए, कम से कम T1 T3 के लिए तो नहीं बनाए, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। भले ही इसके लिए बना दिए लेकिन भूलना मत T3 जान चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है ये। तो आसान ये भी मत समझना कि सर फायदा नहीं हुआ T2 के लिए तो बनाना ही पड़ा। तो भूलना मत T3 मालूम है इसलिए बहुत आसान होने जा रहा है। अब तो समझ में आया होगा, बोलो तो किया जाए। चलिए तो देख लेते हैं। अब हम लोग को ये मजबूरी है बनाना, एक एक चीजों को क्लैरिटी के साथ सीखो, है ना, कि कहां पे क्या करने पे क्या आएगा, कोई चीज क्यों नहीं आता है, स्टेप्स क्या होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सब कुछ सीखो ऐसा, और धीरे धीरे ब्रेन को इतना ट्रेनिंग दे दो जैसे साइकिल चलाना जैसे शुरू में मुश्किल होता है, यदि आप प्रैक्टिस कर लिए 5 स्टेप वही मच गए, आप मांस दिए गए, मांस दिए अपने ब्रेन को, वो ऐसे ही आप हमको बताओ ना ABCD कठिन है क्या? अभी कहोगे नहीं, लेकिन इमेजिन करो पहले कितना कठिन था। काउंटिंग कठिन है क्या? नहीं, लेकिन इमेजिन करो जब सीख रहे थे कितना कठिन था। हम लोगों को जैसे काउंटिंग अब लगता है और तब लगता था, वैसे फिजिक्स को हमें जो अब लगता है, हम इतना अच्छे से पढ़ लें, ऐसी जर्नी तय कर लें, इतना प्रैक्टिस करा दें, इतना ट्रेनिंग दे दें, वैसे ही जैसे काउंटिंग अब हलवा टाइप का लगता है, तभी मजा है ना। तो चलिए तो जरा देखिए तो इसको, हाँ अब तो करना पड़ेगा। तो XY एक्सिस, दिस इज X एंड दिस इज Y, दिस इज व्हाट T2 cos theta and this is what T2 sin theta, but भूलना मत इसको मैं लिख देता हूं 60/√3, लिख देता हूं 60/√3। अब जरा देखो ये पॉइंट रुका हुआ है, यहां पे बैलेंस है, दिस इज बैलेंस, दिस इज बैलेंस, हाउ मच इधर T2 साइन थीटा बराबर 60/√3, हाउ मच इधर, इधर नो बैलेंस, हाउ मच इधर T2 cos थीटा बराबर 40। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इधर बराबर इधर बैलेंस, ऊपर बराबर नीचे बैलेंस, डिवाइड करोगे तो एंगल मिल जाएगा और स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो तुम्हें T2 मिल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसी चीजों को करना सीखो, समथिंग साइन थीटा सेम थिंग कॉस थीटा, तो ऐसे केस में जब डिवाइड किया जाता है तो एंगल मिलता है और स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, स्क्वायर करके जोड़ा जाता है तो T2 मिलता है। बोलो, जब हम लोग जब भी ऐसे एक्सप्रेशन खूब फिजिक्स में आते हैं, ये जो दिख रहा है ऐसा, तो जब डिवाइड करते हैं तो T2 कैंसिल होता है तो थीटा मिलता है, और जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है और तब T2 मिलता है। क्लियर हुआ? बोलो
क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा, अब धीरे धीरे तुम लोग भी प्रैक्टिस में आ जाओगे सोचने के नाम पर। दूसरा एक अच्छा एक तीसरा सोल्यूशन बताता हूं, तीसरा सोल्यूशन। हालांकि टारगेट में तो मैं बताया था तीसरा कह के निकल गया था, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं ध्यान से। जब तीन फोर्स बैलेंस हो, तीन फोर्स, केवल तीन फोर्स, और कंडीशन बैलेंस हो, 4, 2, 5, 50 इनफाइनाइटली नहीं, कितने, तीन फोर्स बैलेंस हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से प्रूव होता है। तीन फोर्सेस, तीन वेक्टर, तीन वेलोसिटी, तीन फील्ड, एनीथिंग तीन वेक्टर नेट जीरो दे या बैलेंस हो तो लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन है ये नहीं कि कहीं भी लगा दिए, तीन फोर्सेस, तीन वेक्टर, तीन वेलोसिटी, तीन फील्ड और एनीथिंग, तीन इंपल्स और एनीथिंग थ्री, और बैलेंस्ड हो मतलब नेट जीरो हो, बैलेंस्ड हो मतलब नेट जीरो हो तो लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो बताओ इस पे लामीज थ्योरम लगेगा कि नहीं, इस पे लामीज थ्योरम लगेगा कि नहीं। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज लामीज थ्योरम, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लामीज थ्योरम, है ना। तो लामीज थ्योरम मैं बता देता हूं, चलिए सभी लोग देखें, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप लोग सीख गए होंगे और ये यहां पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम मैं बता देता हूं, अप्लाई कर लीजिएगा आप लोग ना, ठीक है। लेकिन लामीज थ्योरम केवल किसके लिए भाई, लामीज थ्योरम किसके लिए, बस केवल अच्छा हाँ फोर्स ही नहीं, वेक्टर के लिए भी, वेक्टर हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, फील्ड हो, ऐसे। तो ये देखो, ये है कोई वेक्टर, मान लो F1 है, F2 है, F3 है, F1, अच्छा हाँ नेट जीरो ना, नेट जीरो के लिए है ये। अच्छा इसकी जगह हम लोग वेक्टर लिख सकते थे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फील्ड वेक्टर, कुछ भी वेक्टर की बात हो रही है। F1 के सामने जो दोनों फोर्स या वेक्टर है वो है अल्फा, F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा। तो F1 बाई सामने वाला एंगल का साइन अल्फा बराबर F2 बाई सामने वाले एंगल का साइन बीटा बराबर F3 बाई सामने वाले का एंगल साइन गामा। दिस इज लामीज थ्योरम। इसको प्रूव भी किया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा मतलब है। यदि इमेजिन करो, मैं तो इसी साल पढ़ा भी रहा हूं, बाकी मैंने 13-14 साल कभी पढ़ाया भी नहीं। रीजन जानते हो, हम करें तीन फोर्स के लिए है, चार के लिए फिर नहीं होगा, पांच के लिए फिर नहीं होगा, तो बहुत सारों के लिए तो हमें तो फिर फंडामेंटल तरीका वही वाला जो इससे पहले कर रहे थे, तोड़ के बैलेंस करना, वही करना पड़ता। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम तीन सही, तीन को तो जल्दी करेंगे, कम से कम तीन को तो जल्दी किया जा सकता है ना। तो जल्दी से बना लो इसको आप लोग। प्रियंका घुमाने का हाउ वी डिफाइन दिस, तो डिफाइन कर चुका हूं यार। When three forces acting at a point on a body and if they are balanced, तो मैं कह तो रहा हूं कि मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं कि when three forces acting on a body and they are balanced or unaccelerated, then they are balanced obviously, then this rule holds for that case, है ना। तो डिफाइन ऐसे कर सकते हो, तो ये वाला उसमें लगा सकते थे पिछले वाले में, क्यों पिछले वाले में लगा सकते थे। मैं तो कहता हूं कि कहिए तो एक एग्जांपल छोटा सा दे भी दूं ताकि आपको लग जाए कि ये किस तरीके से कुछ केसेस में थोड़ा जल्दी जल्दी बनाता है ना। तो एक तो आप लोग लिख लीजिए, सर इसे प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव कर सकते हैं यार, मैं अभी भी कर सकता हूं, हमें लगता है कि
प्रूफ कर दूं क्या यार? हमें लगता है कि जरूरत नहीं है यार, पता है कि जो कुछ भी मैं नया नया बताऊं उसमें तुम लोग प्रूफ प्रूफ करोगे तो हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा अच्छा है कि रहने तो कोर्स वोर्स में है नहीं यार ये, है ना, और ऐसे भी लिमिटेशन है इसके 3/4 की, तो कोई अब अलग से मिलना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ज्यादा अच्छा है। क्या मतलब है प्रूफ करने का? हालांकि एक ट्राइंगल बना लेना और एरिया ले लेना ना, क्रॉस प्रोडक्ट बताया हूं आप लोगों को, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान सा है। ओके चलिए छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, प्रूफ की जगह एग्जाम्पल देख लो, है ना, सभी लोग हर जगह प्रूफ नहीं यार, पर अलग ही मैं कुछ भी बताऊं, E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन की बात करूंगा सर प्रूव इट, मैं कहूंगा कि मिलेनियम का सबसे सबसे लोगों को हिला देने वाला इक्वेशन है आइंस्टाइन का इक्वेशन, कोई स्टोरी सुना दी आइंस्टाइन की, मान लीजिए E बराबर MC स्क्वायर, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हाउ कैन यू रिलेट मास स्पीड ऑफ लाइट विथ एनर्जी रिलेटेड विद दैट मास, तो कहेंगे सर प्लीज प्रूव इट, तो कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी मैं बात करूं। सो ये देखो ये वाला जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही भी दे देता हूं ना, 10 kg है, 30 degree, 60 degree, मैं कहता हूं कि ये है टेंशन, बता दो, मैं पढ़ा चुका हूं आपको T1, T2, T3, यदि कोई कहता है कि इन तीनों में टेंशन बताइए तो आपको याद होगा कि T3 तो फटाक से बता दोगे, कहोगे T3 100 है, नीचे mg तो ऊपर 100, तभी रुका होगा, लेकिन T1, T2 के लिए आपके लिए आसान नहीं होगा, बहुत बहुत कठिन भी नहीं है, माना कि लामीज आप नहीं जानते हैं तो भी तो किए ही थे, सुधांशु अलग से मिलना यार कभी, मैं बता दूंगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि T3 तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके लिए बिना लामीज के भी तो हम लोग किए थे, याद करो कि नहीं किए थे, बिना लामीज के भी तो ये किए थे हम लोग, तो बिना लामीज की भी चीजें होती हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रूफ रूम मत मांगो, लेकिन लामीज थ्योरम से कितना आसान है वो देखो ना। चलो देखते हैं, जरा यहां देखो तो दिस इज T2, दिस इज T3, T1 एंड दिस इज T3, सही है। जरा इधर देखो तो ये एंगल देखो, ये एंगल देखो तो ये देखो 180 है, ये 60 है तो ये 120 है, ये 30 है, 180 है, ये 30 है तो ये 150 है, और ये वाला तो 90 है ही। ध्यान से T1 बाई साइन 120 आमने सामने, T1 बाई सामने एंगल साइन बराबर T2 बाई सामने वाला एंगल, T2 बाई साइन 150 बराबर T1, ये वाला 100 मालूम है हम लोगों को, 100 बाई साइन 90। अब ये बताओ साइन 90 इज 1, ये मालूम है, तो इसको इसको रिलेट करोगे तो T2 मिल जाएगा, और इसको इसको रिलेट करोगे तो T1 मिल जाएगा, डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व नहीं करना होगा। तो ये थोड़ा आसान हो गया। आमने सामने एंगल टोटल पूरा ये फोर्सेस के बीच में एंगल ऐसे ना, तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे लामीज थ्योरम, लेकिन इसके लिमिटेशन को भी आपको ख्याल रखना है, याद रहेगा लिमिटेशन इसकी
क्या लिमिटेशन है? कहीं भी नहीं लगाओगे। कहां लगाओगे इसको? जहां पे बैलेंस्ड होगा, या फिर यूं कह लें कि नेट जीरो होगा। फोर्स होगा तो बैलेंस की बात करोगे, या वेक्टर होगा तो नेट जीरो कहोगे, है ना। फील्ड होगा तो नेट जीरो कहोगे, या बैलेंस ही कह लो। तो नेट जीरो भी होना चाहिए और तीन होना चाहिए, दो कंडीशन है। कहीं नहीं लगाओगे, ये नहीं कि अनबैलेंस और लगा दिए। करें सर पढ़ाए हैं लामिस थ्योरम, एक लाइन में आता है, ऐसे थोड़ी होता है कि कहीं भी कुछ भी लगा दिए। तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छा चेक करो आप लोगों की मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं, बोलिए चेक करो। चलिए चलिए मैं आप लोगों को चेक करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं। चलिए मैं चेक करता हूं, चलिए आप लोगों को मैं किया चेक। चलिए ये रहा दो वॉल, ये रहे हुक, और ये रहा इसमें बंधा हुआ रस्सी। हाँ, मास m है और इससे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। आपको बताना है फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, एट मिड पॉइंट फाइंड t। चलो जल्दी से जल्दी करो, फाइन टेंशन एट रुद्र प्रताप मौर्या। क्वेश्चन है कि सर अनबैलेंस कैसे होता है? आगे आएगा, आज के लेक्चर के बाद वही आएगा ना, अनबैलेंस कैसे होता है। अगले क्लास में अनबैलेंस ही आएगा रुद्र, आगे समझेंगे, आज ही सब कुछ मत सीखो। चलो जल्दी से बताओ इस रस्सी के बीच में कितना टेंशन है, जल्दी बताओ। देखना चाहता हूं कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं। इस रस्सी के बीच में कितना टेंशन है? हुक है, उससे रस्सी बंधी हुई है। आप लोगों को मैं फील करा दूं इसका मतलब, ताकि आप लोग समझ पाए। चलिए सभी लोग समझिए, सभी लोग समझिए। ये देखो ये हुक है, ध्यान से देख लो सभी लोग। मेरे दो हाथों को हुक माना जाए, क्या आप लोगों को ये रस्सी दिख रही है? ये बोलो मेरे दोनों हाथों को हुक मान लो। माना कि इस रोप का रस्सी का मास m है, यहां पे टेंशन है, काट दोगे तो दोनों तरफ ऐसे रस्सी चली जाएगी, काट दोगे तो बीच में जरूर टेंशन होगा। आप लोगों को बताना है कि इस बीच में टेंशन यहां पे कितना है, मिड पॉइंट पे, मास एम है रस्सी का। इज इट ओके? मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाता रहता हूं, ताकि आपको आप रियल लाइफ से चीजों को रिलेट कर सके। चलिए बताइए टेंशन कितना है, कम ऑन डू इट फास्ट, कम ऑन डू इट फास्ट। चलो जल्दी, सभी लोग जल्दी से बताओ कि इस रस्सी के बीचों बीच टेंशन कितना है, जल्दी। आपके पास टाइम है एक मिनट बस, आपके पास टाइम है एक मिनट बस, जल्दी। आपके पास टाइम है एक मिनट,
नहीं अशरफ, एम जी कोसेक थीटा बाई टू, नहीं नहीं रिक्की नायक नहीं। चलिए मेरे पास टाइम कम है, चलिए देखते हैं इसका मतलब। फिर से जो पांच स्टेप है, या तो उन पांच स्टेप को भूल गए, या तो पांच स्टेप याद है तो आप कहीं मिस्टेक कर दिए। अब हम लोग ये देखना है कि हम लोग भूल गए पांच स्टेप में से कोई स्टेप, कि हम लोग कहीं गलती कर दिए कुछ मानने में, कुछ अज्यूम करने में, कैलकुलेशन में, ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि स्टेप भूल गए कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक या अजम्पशन में, कंसिडरेशन में, रेफरेंसेस में कुछ गलतियां हो गई। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट सभी लोग देखेंगे, पहला पॉइंट, यदि मैं पूरे रोप को फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, पूरे रोप का, तो ये उसका अंदर का हिस्सा होगा, इंटरनल होगा, इसलिए यहां पे कभी भी टेंशन नहीं आएगा। बड़ा पॉइंट आ रहा है सामने मेरे, इसका मतलब पूरे रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से मिड पॉइंट पे तो टेंशन नहीं आएगा। शायद आप लोगों की यही गलतियां रही होंगी। तो जहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाना है, जहां पर आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाना है, इससे सीखो कि उसी जगह से हमें दो पार्ट स्टडी करना होता है, पूरे इधर का अलग और उधर का अलग, ताकि एक दूसरे के लिए वो एक्सटर्नल की तरह बिहेव करे। तो करता हूं, इतने पार्ट का स्टडी करता हूं मैं, कितने पार्ट का, इतने पार्ट का मैं स्टडी करता हूं तभी यहां पे इंटरेक्शन, ताकि इधर वाला पार्ट बाहरी हो जाए, है ना, नहीं तो इकट्ठा मानूंगा तो नहीं आएगा। ओके, अच्छा बताओ, यदि इस रस्सी का मास एम है तो ये तो आधा ही होगा, सिमेट्री से लग रहा है, तो ये आधा है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले एक बनाऊंगा नीचे एम जी, ये इनविजिबल होता है आपको पता है। अशरफ नवाज, ये भी ध्यान रखना, काट दीजिए, काट दिए मतलब सही में नहीं, वो है वैसे ही, बस स्टडी कर रहे हैं ना। अच्छा ध्यान से, ये रहा टी, और ध्यान से ये रहा टी डैश कहिए चाहे एफ कहिए, ये भी टी डैश भी कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है कि ये आपसे मिस्टेक हुआ हो। ध्यान से ये भी देना, ये भी ध्यान रखना कि ये थीटा है। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या चीज हम लोग सीखे, एक तो जहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कंप्रेशन और एनीथिंग पाना हो तो वहीं से हमें सेपरेट सोचना होता है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि रस्सी का फोर्स जो दिखाना होता है, वो जिस पॉइंट पे दिखाना होता है वहां पे रस्सी के अलोंग दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, रस्सी के अलोंग दिखाते हैं। ये देखो, यहां पे दिखाना होगा तो रस्सी के अलोंग दिखाएंगे, यहां पे दिखाना होगा तो रस्सी के अलोंग दिखाएंगे, यहां पे दिखाना होगा तो रस्सी के अलोंग दिखाएंगे। तो ये अच्छा, अवे फ्रॉम बॉडी दिखाएंगे, बॉडी से अवे दिखाएंगे, रस्सी के अलोंग दिखाएंगे और बॉडी से अवे दिखाएंगे। बड़े पॉइंट, टेंजेंट के अलोंग, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग, किसके अलोंग, टेंजेंट के अलोंग। अरे यार हां, कौन बता रहा था यार, सही, यू आर राइट, एम बाई टू जी आधा मास है, कौन कोई बता रहा था, हाँ ओम प्रकाश, रिक्की नायक सुने नहीं क्या यार। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पाना है, इस रूप में बताना है कि यहां पे टेंशन कितना है,
चाहे यहां पे बताना है कि नौर एक दूसरे पे फोर्स कितना है, चाहे कहीं और कुछ बताना है, हुक और रस्सी के बीच में क्या है, तो जहां पर आपको बताना है, कहा गया है मिड पॉइंट पे टेंशन बताइए यहां पर, तो जहां पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बताना है कहीं पे भी, तो आप वही से सेपरेट करना होगा, नहीं तो वो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आ ही नहीं पाएगा वैल्यू, ना ही कैलकुलेट होगा। लेकिन आया हम लोग वहीं से क्यों सोचते हैं, अच्छा सही में नहीं, लेकिन आयक सही में नहीं काटते हैं, वहां से हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं सिस्टम के नाम पर, यहां से इधर का, यहां से इधर का, ताकि वहीं से बातें एक दूसरे के लिए एक्सटर्नल की तरह बिहेव करें। हम कह रहे कि यदि यहां से हम नहीं बनाए होते तो हम क्या ये टी दिखा पाते, बताओ आप ही लोग बताओ कि क्या यदि हम लोग आधा नहीं बना पाते तो यहां वाला जो टेंशन रियली में रस्सी के अंदर में है वो दिखा पाते, नहीं दिखा पाते। तो क्या इक्वेशन में आ पाता, नहीं आ पाता। तो क्या कैलकुलेट कर पाते, नहीं कर पाते। तो अब तो समझ गए होगे कि क्यों हम लोग वहीं से सेपरेट मानते हैं, बोलो। अच्छा पांच पॉइंट पांच स्टेप याद करो, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, अब हमें मालूम चल गया दिस कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगला स्टेप है एक्स वाई एक्सिस, अगला स्टेप है एक्स वाई एक्सिस। यदि एक्स वाई एक्सिस अगला स्टेप है, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्योर वाई में है, प्योर एक्स में है। हाँ इसको तोड़ने की जरूरत है, ये थीटा है तो ये थीटा है, बता इधर कितना आएगा इस फोर्स का, ये भी टेंशन ही है यार, टी डैश मान सकते हो, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ एफ साइन थीटा। बोलो बोलो भाई, आंसर आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। कनिष्का नायक, ये एम एम बाय टू एम जी बाय टू कॉट थीटा आता है शायद, मे भी बताए देखते हैं। हाँ ये देखो, अब मैं बैलेंस करने जा रहा हूं, जितना ऊपर उतना नीचे। हाँ अच्छा, हाँ ये वाला नहीं देख रहा हूं, ये देखो तो ये मत देखो, और जब ये देखो तो ये मत देखो, तो जल्दी से ये देखो, जितना ऊपर उतना नीचे, हाउ मच ऊपर एफ साइन थीटा, हाउ मच नीचे एम बाई टू जी, जितना इधर उतना इधर, हाउ मच इधर एफ कॉस थीटा बराबर टी। बोलो डिवाइड करो, डिवाइड इट, आपको मिलेगा टैन थीटा बराबर एम जी बाई टू टी, डिवाइड इट, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, ये टैन थीटा होगा और ये होगा, बताओ आंसर आ गया कि नहीं, बोलो फटाक से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी, टैन को इधर, टी को इधर लेके जाओ, टैन को इधर लेके जाओ, नीचे टैन होगा तो ऊपर कॉट होगा, आंसर है एम जी कॉट थीटा बाय टू। एम जी कॉट थीटा बाय टू क्या होगा, टी बराबर एम जी कॉट थीटा, एम जी कॉट थीटा बाई टू, एम जी कॉट थीटा बाई टू। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कि हम लोगों का मकसद ये, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस क्लास में कितना क्वेश्चन करवाया, मेरा मकसद है
कि हम ये क्यों काटे, ताकि कहीं और भी काट पाए, सोच पाए, और सही में नहीं काटे हैं, बस यहां से लेकर एज इट इज, यहां से लेकर यहां तक सिस्टम मान के स्टडी किए हैं, सही में काटे हैं थोड़ी यार, तब तो ऐसे ऐसे हो जाएगा रस्सी, सही में नहीं काटे हैं, बस वहां से लेकर वहां तक बस इतने पार्ट को सिस्टम माने हैं, ताकि ये वाला बाहरी हो जाए, इतने पार्ट को सिस्टम माने हैं ताकि ये वाला बाहरी हो जाए, ताकि यहां पर एक्सटर्नल की तरफ बिहेव हो, एक्सटर्नल की तरफ बिहेव हो। अच्छा, तो आंसर आ गया एमजी कॉट थीटा बाई टू। यदि कोई हमसे, अच्छा हाँ, थीटा गिवेन है, थीटा गिवेन है, इस बार ध्यान रखना आंसर है ये। यदि कोई हमसे कहे फोकस फोकस, यदि कोई हमसे कहे कि रस्सी के द्वारा हुक पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, हुक पर, या हुक के द्वारा रस्सी पर, एक्शन रिएक्शन बराबर ही होगा, बताइए कितना, रस्सी के द्वारा हुक पर या हुक के द्वारा रस्सी पर कितना, मैं बताता हूं कितना, ध्यान से आंसर है एफ। बताओ ये हुक वाला ही फोर्स है ना, ये देखो रस्सी पर हुक के द्वारा है, ये भी सीखो, दिस इज फोर्स ऑन रस्सी, ऑन रस्सी बाय हुक, एंड व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय रस्सी ऑन हुक, ऐसे ऐसे नहीं, कौन बोल रहा यार, हनु कुमार नहीं, कौन बोला था, रुद्र प्रताप, एमजी साइन थीटा नहीं, क्या बोल रहे हो, एफ आंसर है एमजी बाई टू साइन थीटा आंसर है, क्या आंसर है भैया, एमजी बाई टू साइन थीटा आंसर है, बस इतना ही बताना था। बोलो सीख रहे हो, मतलब हुक वाला भी यही है, मिड पॉइंट पे तो है ही, हुक वाला भी यही है, ये देखो। और यही नहीं, एक और चीज बता दूं आपको, इंडिया में शायद कोई हो अपने देश में कि इसका जो दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन निकाला हो, और मैं एक बार निकाला हूं, लगभग 10 पेज में गया है ये वाला, इसका इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करके, उसको मैं ऐसे ही 4-5 या 10 पेज, हमको ये पेज याद नहीं है, और इसको मैं मेहनत करके बहुत लंबा गया है, और हायर मैथमेटिक्स लगा है, इसका मैं इक्वेशन निकाला हूं, ये जो दिख रहा था ना, ये इसका शेप कैसा होगा, ये तो आप लोगों के कोर्स में इसका शेप निकाला हूं। आप लोगों को तो लग रहा होगा कि सेमी सर्कुलर है ये, तुम्हें सेमी सर्कुलर लग रहा है, ये सेमी सर्कुलर है ये, तो इसका मैं शेप निकाला हूं, और कभी मिलिएगा तो मैं दिखाऊंगा बताऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं है, बियॉन्ड कोर्स टाइप का है, बस मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं कि मेरे लिए फिजिक्स कैसा है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका शेप निकाला हूं, लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए तो इतना ही काफी है, जिसमें से हम लोग फोर्स भी निकाले हैं। ओके सो इमेजिन करो, अच्छा हाँ, यहां पे भी यदि टेंशन पूछेगा, फोर्स पूछेगा, तो फिर बियॉन्ड कोर्स हो जाएगा, आपके कोर्स में मिड पॉइंट है और हुक वाला है, बस बीच में कहीं पूछा जाएगा बियॉन्ड कोर्स, इसलिए किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन बात हो सकती है यहां पे, क्योंकि टेंशन का रिलेशन एज ए फंक्शन ऑफ दिस पोजिशन एक्स वाई निकाल सकता हूं मैं, बहुत खतरनाक लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा, है ना, ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स का, बिग बैंग का कोई इक्वेशन है, इतना बड़ा सा। एनीवे सो मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, इमेजिन करो कि हुक वाले पे ही फोर्स पूछा जाए, हुक वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, केवल मिड पॉइंट ना पूछा जाए, केवल हुक वाले पे, तो हम क्या सोचते करते, बोलो, केवल ये कोई कहता कि हुक वाले पर ही बताइए हाउ मच फोर्स अप्लाइड बाय हुक, हुक कितना फोर्स लगा के रस्सी को टांगे हुए है, अच्छा है रस्सी कितना हुक को नीचे खींचे हुए है,
यदि यही बताना होता तब क्या आधा बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं, तब क्या करते? अच्छा वैसे तो आ गया है, आधा बनाने पर भी आ गया है, तब क्या करते वो भी जान लो, तब देख लो क्या करते। तब क्या करते ध्यान से देख लो, तब क्या करते, तब ये करते पूरा ही रस्सी का बनाते ना, पूरे ही रस्सी का बनाते, और तब हम कहते हैं कि ये लो भाई पूरे रस्सी का बनाया जा रहा है। देखो मैं आधा काट के नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें यहां पे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की जरूरत नहीं है, नीचे mg क्योंकि इस बार पूरा ही मास है, लेकिन रस्सी का फोर्स रस्सी के अलोंग और रस्सी का फोर्स रस्सी पर फोर्स या रस्सी का फोर्स रस्सी के अलोंग एंड सिमेट्रिकली सेम एंड यू नो बेटर एज दिस इज थीटा सो सामने थीटा, सिंस दिस इज थीटा सो सामने थीटा, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम एज अ होल। हालांकि आधा पे भी आ गया था लेकिन चेक करते हैं कि क्या आधा पूरा सिस्टम बनाने से चीजें बदल जाती हैं कि वही आती हैं। यदि आधा पूरा सिस्टम बनाने से कोई चीज अलग अलग आने लगे तो या तो फिजिक्स गलत हो जाएगा या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, कुछ गलतियां किए होंगे, यही हो सकता है क्या? अलग अलग सिस्टम मानने से कोई किसी चीज का वैल्यू अलग अलग थोड़ी आ जाएगा। तो देखते हैं, तोड़ते हैं इसको, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में जिसको कंसीडर किया जाता है उसी का फोटो होता है, ना ना हुक होता है, ना बॉल होता है, ना हम होते हैं, ना तुम होते हो, ना सूरज चांद तारे होते हैं, ना कैमरा लैपटॉप होता है, बस वही होता है जिसे हमें कंसीडर करके स्टडी करना होता है। अब बात करते हैं ब्रेक करके स्टडी करने की, बताओ इधर कितना f cos थीटा और इधर बताओ f sin थीटा, इसको तोड़ो इधर f cos थीटा, इधर तोड़ो f sin थीटा, देखो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है कि नहीं, दिस इज f cos थीटा, दिस इज f cos थीटा, कैंसिल जीरो जीरो एंड दिस इज आल्सो जीरो, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना इधर उतना इधर, हाउ मच ऊपर एफ साइन थीटा टू एफ साइन थीटा बराबर एम जी, टू एफ साइन थीटा बराबर एम जी। आप हमको बताओ क्या कुछ और आ गया कि वही आया, बताओ क्या कुछ और आ गया कि वही आया, वही आया। तो चलिए अब हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि रियली में हम लोगों को, आप लोग अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओ, मैं कितना स्ट्रांग करूंगा, बहुत पढ़ा लिया रे स्टैटिक, स्टैटिक बहुत पढ़ा लिया, आप डायनेमिक पढ़े, लेकिन डायनेमिक पढ़िए चाहे स्टैटिक पढ़िए तरीका यही है, फ्री बॉडी डायग्राम एक्स वाई एक्सिस बढ़िया वाला, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, बैलेंसिंग और एफ बराबर ए में अनबैलेंसिंग एन इक्वेशन कैलकुलेशन सॉल्व सब्स्टिट्यूशन एंड गेट द आंसर, पांच, दुनिया कोई भी लेके आना मैं करूंगा, दुनिया कोई भी लेके आना और मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता है यदि आप सही करेंगे तो चीजें आती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, आज के लिए बहुत है, अगले क्लास में हम लोग फिर से, अभी तक हम लोग टेंशन देखते रहे, अब हम लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन देखेंगे, फोर्स नॉर्मल 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 देखेंगे, नॉर्मल अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप मेहनत करिए, इमेजिन करिए, फिजिक्स में डूबे रहिए और कल्पनाओं में आप तैरते रहिए, जर्नी करते रहिए, यात्रा करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।